टुडे वी विल डिस्कस ऑन द टॉपिक ऑफ द स्टॉर्म. डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्टॉर्म आर कॉज बाय वायलेंट एयर करेंट्स एंड आर एकॉम्पनिस्ड बाय अ हैवी रेन, हाई स्पीड विंड एंड द लाइटनिंग. द स्टॉर्म मे ऑकर्स ऑन द लैंड और ओवर द सीज. जो तूफान है ये इसके अंदर हाई स्पीड का विंड होता है और साथ में लाइटनिंग भी इसके साथ होती है और ये हमारे पृथ्वी पे भी और हमारे ओशंस पे भी ये तूफान हैं ये आते हैं. सबसे पहले थंडर स्टॉर्म क्या होता है इसको हम जानते हैं. ये थंडर स्टॉर्म इज अ काइंड ऑफ वेदर कैरेक्टराइज बाय रेन. यानी थंडर स्टॉर्म के अंदर रेन भी और साथ में बिजली की गर्जना भी होती है जिसको हम थंडर स्टॉर्म बोलते हैं. और थंडर स्टॉर्म होता किस वजह से है. थंडर स्टॉर्म डेवलप इन मोस्ट क्लाउड. मोस्ट जब क्लाउड होता है तभी होता है. फंक्शन फॉर्मेशन ऑफ थंडर स्टॉर्म रिक्वायर्स द फॉलोइंग. कब थंडर स्टॉर्म कब फॉर्म करता है वहाँ पे क्या क्या चीज़ की रिक्वायर होती है. मॉइस्चर और उसके बाद रैपिड राइजिंग वार्म एयर और नेक्स्ट थर्ड सी वाटर माउंटेन. और हमें सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने चाहिए कब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द स्टॉर्म एंड द लाइटनिंग. इन केस ऑफ लाइटनिंग एंड थंडर स्टॉर्म फॉलोइंग प्रिकॉशंस नीड टू बी टेकन. हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए. डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला विद अ मेटेलिक हेड. कभी भी आप अम्ब्रेला का यूज़ ना करें. कब जब लाइटनिंग या फिर थंडर स्टॉर्म हो रहा हो. डू नॉट वॉच टीवी. कभी टीवी ना देखें. डू नॉट टच ऑपरेट एन इलेक्ट्रिक एप्लीकेंस. ये मोबाइल टेलीफोन या फिर कोई भी हमें इलेक्ट्रिक एप्लीकेंस टच नहीं करना चाहिए उस समय. और टेकिंग शेल्टर इन अ कार और अ बस इन सेफ है ना. और आप चाहे बस में रहें या फिर घर में रहें. द कार शुड बी नॉट कंफर्टेबल. बट कार जो है कंफर्टेबल नहीं है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट. ड्यूरिंग लाइटनिंग इट इज़ नॉट सेफ टू सिट नियर अ विंडो और टेक शेल्टर इन अ गैरेजेस मेटल शेड्स. कभी भी लाइटनिंग के समय मेटल शेड के साथ या फिर शेल्टर में या विंडो के पास कभी भी पास में ना बैठें. टेकिंग शेल्टर अंडर एन आइसोलेट ट्री एंड डेंजरस ड्यूरिंग लाइटनिंग इन इंस्टेड मूव और स्टडी बिल्डिंग्स. कभी भी जो बड़े पेड़ होते हैं उनके आसपास कभी भी थंडर स्टॉर्म के समय या लाइटिंग समय हमें नहीं खड़े रहना चाहिए या फिर बैठना भी नहीं चाहिए. वहाँ पे मूव कर देना चाहिए. क्योंकि अगर वहाँ पे अगर घना पेड़ है तो बिल्डिंग भी हो सकता है वो थंडर स्टॉर्म के चक्कर में या फिर विंड ब्लोइंग के चक्कर में वो पेड़ टूटने से फिर वो उसकी बिल्डिंग की भी क्या हो सकती है डैमेज हो सकती है. तो इसलिए वहाँ पे हमें नहीं ठहरना चाहिए. नो लास्ट पॉइंट. डू नॉट टेक अ बाथ और शॉवर. और उस समय हमें नहाना भी नहीं चाहिए और ना ही हमें इसका यूज़ करना चाहिए. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टोर्नेडो. इसको हम बवंडर बोलते हैं हिंदी में. इट टोर्नेडो लुक्स लाइक अ ट्विस्टिंग फनल ऑफ एयर. ये टोर्नेडो लगता कैसे देखने में जैसे एक हवा का एक झोंका सा हो रहा हो. इट इज़ अ डार्क फनल शेप. ये डार्क फनल शेप होता है. ये क्लाउड में बनता है. डैट रीड्स फ्रॉम स्काई टू द ग्राउंड. यानी स्काई से ग्राउंड की ओर ये बनता है. ये देखिए जो बना हुआ है. ए टोर्नेडो कैन ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ अबाउट 300 to 500 किलोमीटर पर आवर. डायमीटर ऑफ द टोर्नेडो कैन बी लार्ज एज ए किलोमीटर और इवन ए वाइडर. एज इट गोज इट शक डस्ट. और इसके अंदर डस्ट होता है, डेब्रीज एंड एवरीथिंग इन इट्स पाथ इंक्लूडिंग बिल्डिंग ट्रीज एनिमल्स एंड कार्स आर थ्रोन देम आउट व्हेन इट इज फोर्स डिक्रीजेस. और जब ये बहुत ही तेज़ होता है तब ये बहुत चीज़ों को नुकसान भी पहुँचाता है. टोर्नेडो में फॉर्म्स विद इन साइक्लोन. सॉरी साइक्लोन का भी फॉर्म ले लेता है कभी कभी. इफ अ टोर्नेडो फॉर्म्स ओवर द सी. जब ये सी के एरिया में जब ऐसा होता है इट इज़ नोन एज द वाटर स्पाउट. तब हम इसको वाटर स्पाउट बोलते हैं. व्हेन इट टच द वाटर ऑफ द ओशन सी इज बी सक्ड अप. प्रिकॉशंस हमें क्या क्या लेने चाहिए एट द टाइम ऑफ टोर्नेडो. टेक शेल्टर इन द रूम विच इज़ डीप इन साइड और अंडरग्राउंड हैविंग नो विंडो. यानी हमें ऐसी जगह चले जाना चाहिए जहाँ पे कोई विंडो ना हो, है ना. नेक्स्ट. इफ दिस इज नो पॉसिबल. जब जहाँ पे पॉसिबल नहीं हो शट द डोर एंड विंडो ऑफ द हाउस एंड सिट अंडर टेबल और बेड. और ऐसा पॉसिबल करना चाहिए कि जहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हमें दरवाज़ा बंद करके हमें घर के अंदर चले जाना चाहिए और हमें टेबल के नीचे या फिर बेड के नीचे घुस जाना चाहिए. नाउ लास्ट पॉइंट. यू कैन इवन बॉव डाउन ऑन योर नीज. और अपने घुटने के बल पे हमें क्या करना चाहिए बैठ जाना चाहिए और हमें अपने घुटने के नीचे हमें अपने गर्दन को भी झुका
लेना चाहिए, जिससे कि हम टोर्नेडो से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ।